हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं GUJCET 2021 के बारे में। आज हम स्टूडियो में GUJCET 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ GUJCET 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन GUJCET 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में देखेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर GUJCET 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज़ आती है उसके रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं GUJCET 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पर जो है google.com ओपन कर देना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना होगा GUJCET 2021, और उसके आगे आप लोगों को लिखना है cet.co.in। अब cet.co.in लिखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको GUJCET 2021 के रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में जानने को मिल जाएगी। उसी के साथ ये वेबसाइट GUJCET की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ डेली बेसिस पर रेगुलरली अपडेट भी होती रहती है, तो यहाँ पे आपको फुल अपडेटेड और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने को मिलेगी। सिंपली आपको आगे cet.co.in लिख के गूगल में सर्च कर लेना है, और जैसे आप गूगल में जो सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपके सामने आएगा आपको सिंपली उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर देना होगा। जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको GUJCET 2021 के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने को मिल जाएगी। लाइक आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे GUJCET का फुल फॉर्म बता दिया है, गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये GUJCET का फुल फॉर्म है। GUJ यानी कि गुजरात, CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये था हमारा गुजरात GUJCET का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे देख लिया। और अब बात की जाए इस एंट्रेंस एग्जाम के, यानी कि गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आपको जो है गुजरात स्टेट के अंदर किसी भी प्राइवेट या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, कोर्सेज में लाइक इंजीनियरिंग में, डिग्री कोर्सेज में, डिप्लोमा या फार्मेसी कोर्सेज में आपको जो एडमिशन मिल सकता है गुजरात स्टेट के अंदर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इस एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के द्वारा। तो गाइस, अगर आप लोगों को गुजरात स्टेट के अंदर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए, इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए इंजीनियरिंग कोर्स के रिगार्डिंग, डिग्री के रिगार्डिंग, या फिर डिप्लोमा फार्मेसी कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को जो है क्रैक करना होगा और अच्छे मार्क्स जो है स्कोर करने होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम अभी GUJCET के हाईलाइट के बारे में। लाइक इसका जो सबसे पहले एग्जाम का जो फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी देख लिया, इसका जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जिसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी कि GSEB, और इसका एडमिशन कंडक्टिंग बॉडी जो जिसके द्वारा इसका एडमिशन कंडक्ट किया जाता है वो एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ACPC कैटेगरी है जो एग्जाम की स्टेट का है, क्योंकि गुजरात के लिए है ये। लेवल ऑफ एग्जाम अंडर ग्रेजुएट लेवल है। कोर्सेज जो यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं वो BTEC और BE के कोर्सेज हैं। जो टोटल ईयर ड्यूरेशन है कोर्सेज का वो 4 ईयर्स का है। जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो है इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा हुआ है 112, यानी कि बहुत ही बड़े अमाउंट की जो है इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेटिंग है, तो आपको जो है इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो ऑनलाइन है, यानी कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, वहाँ पर जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना रहेगा। एग्जाम मोड की बात की जाए तो ऑफलाइन मोड में रहेगा एग्जाम, यानी कि पेन पेपर पे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्विक लिंक्स की। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर या ये सेक्शन जो है क्विक लिंक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना है, लाइक अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, सिलेबस हो गया, या एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में जानना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उसके सामने जो क्लिक है उस पर क्लिक करना होगा, और वहाँ पे क्लिक करते आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको GUCET यानी कि गुजरात CET की जो है एग्जाम पैटर्न 2021 की फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन उस न्यू पेज पे जानने को मिल जाएगी। तो इन सबकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो डिस्क्रिप्शन में से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस लिंक के द्वारा आसानी से जान सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अभी हम एग्जाम डेट्स की। तो क्योंकि जो इसका नोटिफिकेशन वो मार्च में रिलीज़ हो जाता है, और एप्लीकेशन भी जो है मार्च के एंडिंग से जो स्टार्ट हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म भी। फिर जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं मई के स्टार्टिंग में, और जो इसका एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है मई में मिड में जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब नेक्स्ट बात कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। सो अगर GUJCET का एप्लीकेशन फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उतनी सावधानी आपको उसके एप्लीकेशन प्रोसेस में देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते जाए आप कोई भी गलती करते हैं या कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा।
एक और जो सबसे बड़ी इशू जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, वो ये है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तब उनसे कहा जाता है कि उन्हें उनके डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ जो स्कैन करके अपलोड करना है, पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि किस साइज में और किस फॉर्मेट में जो है एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ को स्कैन करके अपलोड करना रहता है, तो वो किसी भी साइज और किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाता, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा के रखना होगा, क्योंकि हम आगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं GUJCET 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, जिसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे। उसमें साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से आपको जो अपना फोटोग्राफ सिग्नेचर जो स्कैन करना है, कितनी साइज में, कितनी KBs में उसको सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में उसे अपलोड करना है, या यहाँ पे JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, या कौन से फॉर्मेट में, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आपको उस वीडियो में बताती जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा के रखा हो, ताकि आपके एप्लीकेशन में बनने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और हमारे वीडियो के हिसाब से आप सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एप्लीकेशन फीस की। सो गाइस जो एप्लीकेशन फी है वो टोटल 300 रुपीज़ है। आपको एप्लीकेशन फी डायरेक्टली ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, दोनों ही मोड में आप भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आप डायरेक्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आप डायरेक्ट डिमांड ड्राफ्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जो एड्रेस पे आपको जो डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा यहाँ पे आपको दे दिया गया एड्रेस भी, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा यहाँ पे आके फुल डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो गाइस GUJCET 2021 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते तो आप इस एग्जाम के लिए जो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, आप लोगों को इस एग्जाम को देने दिया नहीं जाएगा। तो इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, लाइक एजुकेशन के रिलेटेड क्राइटेरिया है कि आपके पास जो है 12th यानी कि HSC का जो है पासिंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए, आप HSC पास रहना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा, तभी आपको जो है इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रखा जाएगा। और मार्क्स की बात की जाए तो जनरल कास्ट से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है 45% मार्क्स जो है मिनिमम मार्क्स रखे गए, कम से कम इतने आने चाहिए आपके 12th में, और रिजर्व कास्ट के लिए जो है 40% रखे गए। तो और भी बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप जो डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे दूंगा उसके थ्रू। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो गाइस यहाँ पे GUJCET का आपको पूरा डिटेल में एग्जाम पैटर्न जानने को मिल जाएगा, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका एग्जाम है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है, साथ ही साथ जो पेपर के मीडियम है पेपर आपको इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, ये तीन लैंग्वेज में आपको जो अपना क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज जो आपको पूछेगी वो 120 रहेगी, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में, और टोटल आपको जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटा दिया जाएगा, 3 घंटे में आपको अपना पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना होगा। मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो आपको जो है हर एक सही आंसर पे 1 मार्क्स दिया जाएगा, और हर गलत आंसर पे आपका जो है 0.25 मार्क्स जो है वो काट दिए जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के टोटल 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आपको सिंपली उस पर टिक करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अभी सब्जेक्ट से, आप 3 सब्जेक्ट दे दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, अब तीनों में से आपको जो है 40-40 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट सिलेबस की बात की जाए तो गाइस इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप डिटेल में फुल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट के सेपरेट सिलेबस आप वहाँ से और डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। अभी GUJCET 2020 एडमिट कार्ड की बात की, 21 एडमिट कार्ड की बात की जाए तो गाइस इसका एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप लोगों को जो विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम में सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आपको सिंपली अपना एडमिट कार्ड अच्छी तरह से जो है डाउनलोड करके उसके 3 से 4 प्रिंटआउट संभाल के रखने हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स को फेस होता है एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग, वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि कब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, कब उसकी डाउनलोडिंग डेट जो है वो एंड हो चुकी है, और वो एडमिट कार्ड इस वजह से जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाते। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखना होगा, ताकि जैसे ही GUJCET 2021 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके अगले ही पल हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ हो चुका है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट किसी इशू को फेस किए बिना। अब नेक्स्ट बात की जाए अगर रिजल्ट की, तो रिजल्ट के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होती है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा तो रिजल्ट डिक्लेयर होते आपको बता दिया जाएगा कि रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक भी दे दी जाएगी जिससे आप आसानी से अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको GUJCET के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो नॉलेजेबल रहा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।